मम्मा किड्स स्टोरीज। ये है प्यारी सी नन्ही सी पिंकी, घर में सबसे छोटी और घर की लाड़की बेटी, मम्मी पापा की सबसे प्यारी बेटी। स्कूल में भी सारे टीचर्स उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि उसको बोलने में प्रॉब्लम थी। नॉर्मली वो बातें नहीं कर सकती थी, वो रुक रुक कर बोलती थी, इसीलिए उसके साथ कोई ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करता था। उसकी मम्मी ये बात जानती थी, इसीलिए उसके साथ खेलती और रात को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। फिर भी पिंकी उदास ही रहती थी। एक रात को वो अपने घर के पास के गार्डन में जाके बैठी और भगवान से प्रेयर की कि उसको भी अच्छे अच्छे दोस्त चाहिए। ऐसा करके वो अपने रूम में चली गई और सोने लगी। कुछ देर बाद वहाँ एक आवाज़ आई, पिंकी। पिंकी बेड से उतरकर इधर उधर देखने लगी कि ये कौन बोला। तब फिर से आवाज़ आई, घबराओ नहीं, मैं परी हूँ। ऐसा बोल के वो पिंकी के सामने आई। वो एकदम ही सुंदर परी थी। वो बोली, मैंने कल रात तुम्हारी प्रेयर सुनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ तुमसे दोस्ती करने। मुझसे दोस्ती करोगी? पिंकी तो बहुत खुश हो गई, उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया। फिर परी ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे परीलोक में आओगी, तुम्हें मैं अपनी दुनिया बताऊंगी, अपनी सहेलियों से भी मिलाऊंगी। पिंकी ने हाँ कहा तो वो उसे परीलोक में ले गई। वो दुनिया बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही एक सुंदर जगह। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ बहुत सारी परियाँ थी, सब परियाँ खेल रही थी। पिंकी को देख के सब उसके पास आ गए। बड़ी परी ने उसके बारे में सबको बताया। फिर सब परियाँ पिंकी के साथ खेलने लगी। पिंकी को तो मजा ही आ गया सबके साथ खेल के। फिर वो बड़ी परी ने कहा कि पिंकी अब जाने का समय हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पिंकी को तो जाने की इच्छा ही नहीं थी, फिर भी वो सबको बाय कह के चलने लगी। फिर वो दोनों पिंकी के घर पहुंच गए तो पिंकी ने परी को कहा कि उसको परी के साथ बहुत मजा आया, वो उसको छोड़ के ना जाए। तो परी ने कहा कि जब पिंकी उसको दिल से याद करेगी तो वो वहाँ पहुँच जाएगी। और एक बात उसने पिंकी को बताई कि परी की बात वो किसी से भी ना कहे, और ये बात उन दोनों का सीक्रेट ही रहे। फिर वो वहाँ से चली गई। पिंकी तो बहुत ही खुश थी। सुबह उठी तो उसको देख मम्मी ने भी पूछा कि क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? तो पिंकी ने कहा, कोई बात नहीं है मम्मी, ऐसे ही खुश हूँ। दोस्तों, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी बड़ा मज़ा आने वाला है ये स्टोरी में। तो आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए मम्मा की स्टोरी।